हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं जो वो पीएनटी कॉलोनी है, वो पीएनटी कॉलोनी आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो क्वार्टर रहते हैं हाउसिंग के लिए, वो यहाँ पे रहते हैं। तो इन्हीं क्वार्टर्स का मैं जो इस वीडियो में ओवरव्यू दूंगा। और ये मैं जगह की बात करूँ तो ये पिपलानी कहलाता है भोपाल शहर में। यहाँ के मैं क्वार्टर्स आपको दिखाऊंगा और भी चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ पे जो है। ये जो है, सबसे पहले बता दूँ कि रेलवे स्टेशन से कुछ 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इस वीडियो में मैं जो वो यहाँ मार्केट्स भी दिखाऊंगा, आसपास का एरिया भी पूरा दिखाऊंगा और स्पोर्ट्स की क्या फैसिलिटीज़ रहती है ये भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम क्वार्टर देख लेते हैं। तो नीचे जैसा कि आपने पहले देखा, एटीएम मिल जाता है घर के नीचे। फिर यहाँ पे आप अंदर जाएंगे तो थोड़ा पार्किंग स्पेस भी आपको मिलता है। यहाँ 2 व्हीलर आराम से आप रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो क्वार्टर है वो सेकंड फ्लोर पे है। और ये जिनका क्वार्टर है वो उनको के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उनका नाम सुमित है और उन्होंने जो है CGL 18 से जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन लिया था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ही। तो उन्हीं का क्वार्टर जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी उनका क्वार्टर जो है वो टाइप 2 क्वार्टर रहेगा। जो भी LDC को या TA टैक्स असिस्टेंट PSA को अगर मिलते हैं वो टाइप 2 के ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये सारी चीज़ें इस टाइप 2 क्वार्टर में अवेलेबल हैं आपको। आप देख रहे होंगे कि अभी मेरे पास काफ़ी स्पेशियस आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने सामान अभी ज़्यादा नहीं रखा है, लेकिन आप इसमें काफ़ी सारा सामान रख भी सकते हैं और आपकी एक फैमिली बहुत ही आराम से इसमें रह सकती है। तो भैया चीज़ है यहाँ पर हम देखते हैं कि छत भी मतलब काफ़ी बड़ी है, हमें मिली है क्योंकि ये सेकेंड फ्लोर पर हम हैं। तो इस पूरी बिल्डिंग की छत हमें यूज़ करने के लिए अवेलेबल है। तो इस पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप शाम के समय घूम सकते हैं, आप गार्डनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को गार्डनिंग का शौक हो तो। और अभी चूँकि मौसम मानसून का है इसलिए यहाँ पर टहलने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आप जैसा कि आपने घर देख चुका है तो मैं आपको थोड़ा आसपास का एरिया दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ काफ़ी ग्रीनरी है और मार्केट्स लेके हर व्यवस्था जो है वहाँ रेडली अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ आपको मेरे सामने जो है एक सब्जी मंडी मिल जाएगी जो कि घर से बस कुछ 10 मीटर की दूरी पे ही है। और वीक में एक स्पेसिफिक डे पे यहाँ पे जो है सब्जियाँ आती है और यहाँ पे आप काफ़ी सस्ते दामों में जो है सब्जियाँ ले जा सकते हैं। तो घर के एकदम साइड में ही है यहाँ पे।
ये आप देख पा रहे होंगे काफी बड़ी है। अब दोस्तों आगे यहाँ आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये सब्जी मंडी के साइड में ही जो है बहुत सारी दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे मतलब छोटे से छोटा आइटम, मतलब हर टाइप का आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ कपड़े लेने हो या इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो, ये सब आपको जो है हर रेंज का सामान मिल जाएगा। मेडिकल की भी दुकान है, तो यहाँ पे पूरा मार्केट रहता है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे मार्केट से जो है थोड़ा ही आगे यहाँ पे एक आपको टेंपल मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी बड़ा टेंपल है, काफ़ी सुंदर है, तो ये यहाँ पे आपको रहेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ दोस्तों हम मेन रोड पे आ चुके हैं, तो ये जो है आपको मेन रोड से कनेक्ट कर देगा आगे हाईवे से। तो यहाँ भी आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ ग्रीनरी बहुत है। मतलब रोड्स पे जो है ये नॉर्मल केसेस में देखा नहीं जाता है, लेकिन इस इलाके में जो है यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। बस यहाँ पे जो नीचे अंदर कॉलोनी की सड़कें हैं वो काफ़ी जो है डैमेज है और काफ़ी ख़राब स्थिति में, तो एक ये यहाँ पर डिसएडवांटेजेस हैं, भी आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खराब रोड है यहाँ पे। बाकी अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स, जिन भी एम्प्लॉयज का जो है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है, तो उनके लिए यहाँ पे जो है लंबे लंबे मैदान भी है। यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे सामने, यहाँ पे क्रिकेट या फुटबॉल यहाँ पे आराम से खेला जा सकता है, काफ़ी लंबा ग्राउंड है। और अभी एक क्लब भी मैं आपको बताऊँगा, उसमें जो है आप बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, तो अभी आगे आएगा वो। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये एक बास्केटबॉल क्लब है। यहाँ पे मतलब दो कोर्ट्स हैं और जो है इस कॉलोनी के रेसिडेंट्स को यहाँ पे जो है अंदर खेलना अलाउड है। और ये बस क्वार्टर से जो है वो कुछ 30 से 50 मीटर दूर होगा, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो ये आप देख पा रहे होंगे अच्छी कंडीशन में है बास्केटबॉल कोर्ट। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप जो है आपको ये क्वार्टर्स जो मैंने दिखाए उनकी कंडीशन का अंदाज़ा हुआ होगा, और दिस विल मोटिवेट यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो इसी के साथ ये इस वीडियो का एंड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।